पति पत्नी में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। गर्मियों की रात थी तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सो गए। आधी रात को जब पति को प्यास लगी, जो वाटर कूलर पास ही की मेज पर रखा था, तो उसने खुद उठाकर पानी पिया। अचानक उसने मुड़कर देखा कि पत्नी साहिबा उसे गुस्से से देख रही थी और बोली, आपने पानी खुद क्यों पिया? पति ने भी गुस्से और अकड़ से जवाब दिया कि हाथ पांव सलामत है, खुद ही पी सकता हूं, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। गुस्से में आकर पति का गिरेबान पकड़ लिया और बोली कि एक बात गौर से सुन लो, लड़ाई अपनी जगह है लेकिन मैं अपना हक और खुशी किसी को छीनने नहीं दूंगी। पता है आपको पानी देते हुए मुझे कितनी खुशी मिलती है, भले ही बातचीत क्यों ना बंद हो गई हो, लेकिन आप पानी कभी खुद नहीं पियेंगे। ऐसा कहते हुए पत्नी की आंखें नरम और नाजुक सुर्ख थी। पति ने उसे गले लगाया और झगड़ा खत्म कर दिया। और फिर एक दिन 10 साल बाद, जब रात को 3 बजे पति पानी पीने के लिए उठता है, तो दीवार पर लगी हार टंगी उस खूबसूरत तस्वीर को देखकर आंखों से पानी बहने लगता है और भीगी हुई आंखों से तस्वीर को हाथ लगाता है। उसे अपनी पत्नी की एक बात फिर से याद आ जाती है। वो कहती थी कि मोहब्बत कभी मर नहीं सकती। तो मेरे साथियों, अपने करीब के लोगों की जिंदा रहते हुए कदर कीजिए। ये जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए इस छोटी सी जिंदगी की अहमियत को समझिए। और आज अपने सबसे खास दोस्त को ये पोस्ट अपनी ओर से शेयर कीजिएगा।